हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्ले मेकर में। कल AIFF के एक मीटिंग हुई जिसमें इंडियन वुमेन्स लीग की बात हुई, उसमें आई लीग टू की बात हुई, उसमें स्टेट अफेयर्स की बात हुई एंड एक नई लीग की भी बात हुई। एक नई लीग को रिवाइव करने की बात हुई है एंड वहां पे ग्रास रूट प्रोग्राम के बारे में बात किया गया और एक नया प्रोजेक्ट के बारे में भी बात किया गया। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डोंट फॉरगेट, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप इंडियन फुटबॉल सपोर्टर हो तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलना, एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड वीडियो पे लाइक छोड़ देना। आपकी जो सजेशन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं भाई इंडियन वुमेन लीग के बारे में। तो आप सबको पता होगा इंडियन वुमेन लीग ये साल खेला जाएगा यानी एक सिंगल टायर लीग है। अब नेक्स्ट सीजन से ये डबल टायर लीग हो जाएगा, सॉरी 2025-26 सीजन से एक फोर टायर लीग हो सकता है एंड जो फोर्थ टायर लीग होगी वो होगी स्टेट एफए के लीग। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है AIFF ने, बहुत ही उम्दा उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की यहाँ पे इंडियन फुटबॉल लीग को। एंड ऊपर से जो प्लेयर्स है, इंडियन वुमेन प्लेयर्स है, उनको एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे पैकेज दिया है। जो भी क्लब्स कोई भी इंडियन वुमेन प्लेयर को साइन कर रहा है अपने साथ में तो भाई उनको मिनिमम 3.2 लाख रुपीज देना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू साइन एनी प्लेयर। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बहुत प्लेयर्स क्या कर रहे थे भाई कि देखो जब पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा, जब पैसे नहीं मिल रहे तो भाई वो काम करके फायदा क्या। बिकॉज वी ऑल नो वी स्टे इन अ कंट्री जहां पे पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर को, किसी भी आदमी को। तो यहाँ पे जब इंडियन वुमन खेल रही है तो भाई उसको पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे, तो वो क्या कर रहे थे, दूसरे जॉब्स में जा रहे थे, दूसरा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आई थिंक AIFF ने जो 3.2 लाख का एक छोटा पैकेज है बट स्टिल एटलीस्ट वहाँ पे पैसे तो मिल रहे हैं वो वाला पैकेज रख दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा भाई थोड़ा सा एंड जो प्लेयर्स छोड़ के जाना चाहते थे लीग वो वापस आ जाएंगे, वापस फुटबॉल खेलना स्टार्ट करेंगे। तो भाई इससे इंडियन वुमेन्स की जो टीम है उसको बहुत ज्यादा डायरेक्टली मदद मिल जाएगी भाई। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है रिगार्डिंग आई लीग टू स्टेट एफएस एंड स्टेट लीग जो होती है। कैलकाटा फुटबॉल लीग हो गई, गोवा प्रोफेशनल लीग हो गई, ऐसे बहुत सारे स्टेट की लीग्स हो गए जिसमें अभी फॉरेनर्स खेलते हैं। तो भाई नेक्स्ट ईयर से फॉरेनर्स उसमें नहीं खेलेंगे भाई। जो आई लीग टू है डेवलपमेंट लीग है, उसके बाद स्टेट लीग है, इसमें बस आपको इंडियन प्लेयर्स ही देखेंगे। इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडियन प्लेयर्स को डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को पुश करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाई देखो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर आप एक डेवलपमेंट लीग खिला रहे हो, आप एक स्टेट लीग खिला रहे हो, आप एक आई लीग टू जिसको डेवलपमेंट लीग ही समझ लो आप, तो वो खिला रहे हो, तो भाई यहाँ पे फॉरेनर्स का काम ही क्या है। मतलब जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहते हैं। क्योंकि देखो ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे भी प्रमोशन एंड रिलीगेशन सीन है, आई लीग टू में आप जाते, आई लीग टू से आप आई लीग वन में जाते हो, बट यहाँ पे देखो सीन क्या होता है कि आपके जो डेवलपमेंट स्क्वाड है भाई उसमें अगर आप फॉरेनर को खिला रहे हो तो फायदा ही नहीं है ना। जो यूथ है, जो बाकी का जो लोकल प्लेयर्स है उनको कहाँ पे चांस मिलेगा, उनको तो चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं बताऊंगा फ्रॉम AIFF, जहाँ पे वो लोकल यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं इंडियन प्लेयर्स को। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पोजीशन में भाई यहाँ पे फॉरेनर्स खिला रहे हो आप, हर लीग में देखो इंपॉर्टेंट पोजीशन में फॉरेनर्स खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स बहुत कम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सही इनिशिएटिव मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप इंडियन प्लेयर्स को आप प्रमोट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज है। तो भाई हम लोग बात करते हैं अभी एक रिवाइवल लीग की, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल लीग। जो इंस्टीट्यूशनल लीग है उसमें इंस्टीट्यूशन खेलेंगे, 10 ऐसे इंस्टीट्यूशन खेलेंगे, इसमें होम एंड अवे मैचेस होंगे। आई थिंक पर टीम 18 मैचेस कुछ खेलेंगे एंड जो जीतेगा इसमें उनको एक चमचमाती हुई ट्रॉफी मिल जाएगी एंड ऑल्सो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे भाई। तो आई थिंक ये भी बहुत चीज अच्छी की उन्होंने इसको, कि रिवाइव किया है। पहले होता था, अभी बंद हुआ था बीच में, बहुत सालों से लीग नहीं हो रही थी, तो इसको फिर से रिवाइव किया गया है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय AIFF। अभी आगे बात करते हैं भाई थोड़ा सा ग्रास रूट प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा एक नया डायमंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो भाई डायमंड प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे भाई एलाइट यूथ को ट्रेन किया जाएगा, जो अच्छे उम्दा प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको नेक्स्ट लेवल प्रोज बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो और एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं AIFF, जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली हेल्प करेगा इंडियन फुटबॉल को। तो भाई आर्सिन वेंजर जो कि हेड ऑफ फुटबॉल डेवलपमेंट है फीफा के, वो भी इंडिया विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो भाई वो ओवरसी करेंगे एक हमारा जो ग्रास रूट प्रोग्राम है ब्लू कप्स के नाम से, वो ओवरसी करेंगे। तो भाई जो AIFF का 2047 का विजन है कि वो चाहते हैं कि 2047 तक इतने इतने चीजें हो इंडियन फुटबॉल में, तो वो एक 26 का एक विजन रखे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि भाई 35 मिलियन बच्चे जुड़े ग्रास रूट प्रोग्राम के साथ में। तो ये 2026 का विजन है उनका, जब 100 साल हम स्वातंत्र के 100 साल कंप्लीट करेंगे 2047 में, तब तक एटलीस्ट 100 मिलियन बच्चे जुड़ने चाहिए ग्रास रूट प्रोग्राम से, ये वो अपना मतलब जो एम है वो रख के चल रहे हैं। तो आई थिंक जो भी इनिशिएटिव लिया है AIFF ने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी भाई बहुत प्रॉमिसेस होते थे, इससे पहले भी बहुत
आंख मुझ के तीर बहुत चलाते थे, बट उससे कुछ नहीं होता था, ना प्रमोशन होता था कुछ चीज का, ना मतलब कुछ हेल्प होती थी इंडियन फुटबॉल को भाई। तो मेरे ख्याल से AIFF ने ये साल जो भी चीजें की है, मतलब आप बोल सकते हो, बिलीव कर सकते हैं आप उसके ऊपर, थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये चीज होने वाली चीज है। बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं है ये जो रोड मैप है उसमें, छोटे छोटे प्रोमिसेस है एंड ये प्रोमिसेस हम फुलफिल कर सकते हैं, वैसे प्रोमिसेस है। तो आई थिंक यहाँ पे हमको AIFF को फुल सपोर्ट देना चाहिए एंड हमारे इंडियन क्लब से उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। ऑल्सो इंडियन वुमेंस लीग को कितना भी आप प्रमोट कर सकते हो प्रमोट करना चाहिए, जिससे जिसका फायदा हमारे इंडियन वुमेंस को होगा, जिसका फायदा हमारे इंडियन मेंस को होगा, वो हमारे जैसे जो फुटबॉल फैंस है उनको करना ही चाहिए भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई हमको भी थोड़ा सा प्रमोट कर दो, हमको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप आपके जो भी सजेशन है वो डाल सकते हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।